हेलो फ्रेंड्स, दीपिका इज हेयर। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है, और उससे पहले देख लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ मैंने आप लोगों के सामने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को उसी तरह से अरेंज किया है जिस तरह से हम अपने रेसिपी बनाएंगे, तो उसकी स्टेप जैसे जैसे आएंगी वैसे ही आप लोगों के सामने मैंने इसे अरेंज कर दिया है ताकि आपको भी समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप इन्हें आराम से देख लीजिए और फिर फटाफट से आ जाइए रेसिपी पर। तो चलिए सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, और उसके लिए 1/4 कप पानी जो है उसमें शुगर ऐड कर देंगे, और उसके बाद ये जो ड्राई ईस्ट है हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम डो रेडी करने के लिए मैदा लेंगे, उसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा तेल भी ऐड कर देंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक और तेल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम जो हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है उसे इसमें मिला देंगे, और अब अच्छे से इसका डो रेडी कर देंगे। आवश्यकता पड़ने पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि एक सॉफ्ट डो हम इसे रेडी कर पाए। और अब डो हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम गहरे तले वाले बर्तन में रखेंगे क्योंकि ईस्ट के कारण ये आटा फूलना शुरू करेगा। तो गहरे बर्तन में रहेगा तो ये आसानी से राइस कर पाएगा, और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डाल देंगे ताकि आटा बर्तन के साथ में चिपके नहीं। और अब इसे कम से कम 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने रख दें। और अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए पनीर के जो छोटे छोटे पीसेज हैं मैंने उसमें ये लाल मिर्च पाउडर, नमक और पिसा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो सके। और अब हम 1.5 घंटे बाद जब इसे देखेंगे तो ये इस तरीके से फूला हुआ हमें मिलेगा। तो अब हम इसके अंदर की जितनी भी एयर है उसे रिमूव करेंगे, और इसके लिए हम इसे पंच करेंगे इस तरीके से। तो अब हम डो लेंगे और उसे डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 पोर्शन में। एक पोर्शन बड़ा रहेगा और एक पोर्शन छोटा रहेगा, यानी कि 2:1 में हमें इसे डिवाइड करना है। और अब हम छोटा वाला पोर्शन लेंगे और उसे बेलना शुरू करेंगे, और इसे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे कि इस तरीके से इसकी मोटाई रहे, ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा मोटी भी नहीं। और अब एक कांटे की मदद से इसमें सब जगह पे छेद कर देंगे, और अब हम इसे हाफ कुक करेंगे, मतलब कि हम इसे मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे दोनों तरफ से, क्योंकि ये पिज़्ज़ा के अंदर जाने वाली लेयर है इसलिए इसे पहले थोड़ा आधा पका लेना बेटर रहेगा। और अब हम डो का जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि बड़ा वाला पोर्शन उसे भी बेल लेंगे, और इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि हम इसे थाली पर अच्छे से फैलाने वाले हैं। और उसके लिए एक थाली ली है मैंने यहाँ पर, उसमें अच्छे से मैंने ऑयल को लगा दिया है ताकि पिज़्ज़ा इसके साथ में चिपके ना। और अब हम इसे फैला भी देंगे थाली पर, साथ ही साथ इसकी जो किनारे हैं उनको थोड़ा मोटा रखेंगे। और अब हम इसमें भी एक कांटे की मदद से छेद कर लेंगे सब जगह पर। और अब चीज़ स्प्रेड को हम इसके बेस में अच्छी तरीके से इवनली फैला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ स्प्रेड की जगह चीज़ स्लाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसके बेस को कवर कर सकते हैं आसानी से।
और अब हम हमारा जो आधा पका हुआ पिज़्ज़ा का बेस है उसे भी इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। और अब हमने जो बाहर की तरफ मोटी किनारी रखी थी उन्हीं की मदद से पिज़्ज़ा के अंदर वाले बेस को सील कर देंगे, यानी कि उससे अच्छे से इसको कवर कर देंगे, चिपका देंगे उसे इसके साथ में। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस को इसके बेस पे अच्छे से फैला देंगे और अब मोज़रेला चीज़ को भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने चीज़ स्प्रेड के छोटे छोटे पोर्शन इसमें ऐड करे हैं इस तरीके से। और अब इसमें हम हमारी जो सब्जियाँ हैं उन्हें भी ऐड कर देंगे और इसके बाद में मैरिनेटेड पनीर को भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स को इसके बेक होने के पहले ही इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो इसे बेक होने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे जल्दी से बेक कर लेते हैं। और इसे हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 35 से 40 मिनट के लिए बेक करना है। तो लीजिए हमारा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी इसे अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो को शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।